हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो लेक्चर है एबीएसटी पेपर टू से रिलेटेड है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का ये पेपर है, टॉपिक जो हम ले रहे हैं कोरिलेशन है, और ये जो वीडियो लेक्चर है ये बीकॉम फर्स्ट ईयर क्लासेस के लिए है। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है उसमें आपको जोन दिए गए हैं ए बी सी और डी। स्क्वायर किलोमीटर एरिया गिवन है आपको 200, 150, 120 और 80। पॉपुलेशन आपको गिवन है 40,000, 75,000, 72,000 और 20,000। नंबर ऑफ डेथ आपको गिवन है 480, 1200, 1080 और 280। ये आपको गिवन है डेटा। और क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। तो हमारा जो फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा एक्स। ये हमारा फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा एक्स। तो ये बीच में आ रहा है बीकॉम, तो ज्यादा अच्छा है इस बीकॉम को हम थोड़ा और ऊपर लिख देंगे या पास में लिख देंगे टॉपिक के आगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे लिख दें बीकॉम फर्स्ट ईयर। हाँ, अब x जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगी डेंसिटी। तो देखिए, पॉपुलेशन हमेशा डेंसिटी के हिसाब से कैलकुलेट की जाती है, और डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। ये आपके पास स्क्वायर किलोमीटर में है, मल्टीप्लाई बाय 1000। जिस तरह से परसेंटेज हमेशा इनटू 100 से होती है या 100 से देखी जाती है, वैसे ही डेंसिटी हमेशा 1000 में कैलकुलेट होती है। तो देखिए, आपके पास पॉपुलेशन हम देखें अगर फर्स्ट जोन की, यहाँ पे ए की, बी की, सी और डी, हमारे पास चार जोन है, फर्स्ट ए, सेकेंड बी, थर्ड सी जोन और फोर्थ नंबर पर है हमारा डी जोन। तो अगर हम ए जोन का जो डेंसिटी है वो कैलकुलेट करने के लिए पॉपुलेशन लेंगे 40,000। ए जोन का एरिया हो जाता है 200 स्क्वायर किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस तरीके से आपके पास जो 40,000 डिवाइडेड बाय 200, तो पर स्क्वायर किलोमीटर जो पॉपुलेशन आ जाएगी, ये हम देख लेते हैं, 40,000 डिवाइडेड बाय 200, तो आपके पास एरिया आ जाता है 200। तो यहाँ पे हम पहले पर स्क्वायर किलोमीटर पॉपुलेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारे पास जो डेंसिटी होगी पर स्क्वायर किलोमीटर वो हो जाती है 200। ये हमारी डेंसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं हम। ये हमारी डेंसिटी हो गई पर स्क्वायर किलोमीटर। सेम इसी तरीके से बी जोन की कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास पॉपुलेशन है 75,000 डिवाइडेड बाय एरिया है हमारे पास 150 स्क्वायर किलोमीटर, तो एरिया से डिवाइड कर देंगे हम, तो 75,000 डिवाइडेड बाय 150, तो हमारे पास 500, ये पॉपुलेशन आ जाती है पर स्क्वायर किलोमीटर। सी जोन की अगर हम देखें तो 72,000 डिवाइडेड बाय 120 हमारे पास एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में, तो 72,000 डिवाइडेड बाय 120, 600 हमारे पास पॉपुलेशन आ जाती है डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर पे। और डी जोन की हो जाती है 20,000 डिवाइडेड बाय 80, तो 20,000 डिवाइडेड बाय 80 स्क्वायर किलोमीटर करेंगे तो 250 हमारे पास डेंसिटी आ जाती है पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरीके से आप डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हो जाती है आपके पास 200, 500, 600 और 250 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो इस तरीके से अब आपका इन सब का जो बेस है वो अब हमने समान कर लिया, पहले जो इन सब का बेस था वो समान नहीं था, इसीलिए हमने डेंसिटी को कैलकुलेट किया। तो आपको फर्स्ट जो वेरिएबल था डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन लेनी थी, जो हमने ले ली। अब सेकेंड वेरिएबल पर काम करते हैं जो है डेथ रेट।
तो देखिए डेथ रेट कैसे निकालें, क्वेश्चन में हमें नंबर ऑफ डेथ दी हुई है, तो जब नंबर ऑफ डेथ दी हुई है तो डेथ रेट कैलकुलेट करने के लिए हम एक दूसरा फार्मूला कैलकुलेट कर लेते हैं या यूज़ में ले लेते हैं। डेथ रेट के लिए आप फार्मूला यूज़ करेंगे नंबर ऑफ डेथ अपॉन पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो जब डेथ रेट कैलकुलेट करते हैं तो आप इनटू 100 नहीं करते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप मल्टीप्लाई बाय 1000 करते हैं। तो यहाँ पे ए जोन की डेथ रेट, बी जोन की, सी जोन की और डी जोन की, हमारे पास चार जोन हैं ए बी सी और डी। तो फर्स्ट नंबर पे ए जोन, सेकंड नंबर पे बी जोन, थर्ड नंबर पे सी और फोर्थ नंबर पे आपका डी जोन आता है। तो नंबर ऑफ डेथ है हमारे पास 480 ए जोन के लिए, पॉपुलेशन हो जाती है आपकी 40,000 मल्टीप्लाई बाय 1000। तो इस तरीके से आप ए जोन की डेथ रेट कैलकुलेट कर सकते हैं 480 डिवाइडेड बाय 40,000 इनटू 1000। तो आपका जो डेथ रेट आएगी ए जोन के लिए वो होगी 12। तो यहाँ पे हमने डेथ रेट वाई जोन के लिए ले ली है, वाई सीरीज के लिए ले ली है डेथ रेट, ए जोन की है 12। नेक्स्ट बी जोन के लिए कैलकुलेट करेंगे तो नंबर ऑफ डेथ है 1200 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1000। 1200 डिवाइडेड बाय 75,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये आपकी डेथ रेट हो जाती है 16। तो बी जोन के लिए जो डेथ रेट होगी वो होगी 16। नंबर थर्ड सी के लिए आपकी डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ है 1080 और पॉपुलेशन है 72,000, मल्टीप्लाई बाय करेंगे 1000 से तो आपकी डेथ रेट कैलकुलेट हो जाती है 1080 डिवाइडेड बाय 72,000 इन 2000, तो ये आ जाती है 15% या डेथ रेट हो जाती है 15। नेक्स्ट लास्ट जोन है आपका डी और नंबर ऑफ डेथ है 280 डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 20,000 इन 2000। 280 डिवाइडेड बाय 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो डेथ रेट आप कैलकुलेट करेंगे 14। तो हमारे पास 12, 16, 15 और 14 ये डेथ रेट कैलकुलेट हो गई। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन में हम डेंसिटी और डेथ रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए हमें जो क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में जोन, स्क्वायर किलोमीटर एरिया दिया हुआ है, पॉपुलेशन गिवन है, नंबर ऑफ डेथ गिवन है, और हमसे क्वेश्चन किया गया है इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन के लिए एक्स चाहिए था, यानी कि डेंसिटी चाहिए थी, हमने कैलकुलेट की इस फॉर्मूले के थ्रू, और सेकंड नंबर पे हमें डेथ रेट कैलकुलेट करनी थी जो हमने इस फॉर्मूले के थ्रू, ए बी सी डी फोर जोन है हमारे पास और फोर जोन के लिए जो डेथ रेट है वो हमने सेकंड फार्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पे जानने वाली बात ये जरूरी है कि देखिए ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है बीकॉम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2004 2011 में पूछा जा चुका है और इसके अलावा जीवाजी यूनिवर्सिटी जो ग्वालियर की है 2002 में ये वहाँ पे भी पूछा जा चुका है। दूसरी बात, ये जो डेटा है ये काफ़ी पुराना डेटा है, इसके अलावा काफ़ी बार ये क्वेश्चन अभी 2011 के बाद और 2020 से पहले भी 2 or 3 टाइम्स आ चुका है। तो अगर हम देखें लास्ट 15 ईयर में तो ये क्वेश्चन 3 to 4 टाइम एग्ज़ाम में आ चुका है, इसलिए ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ये थोड़ा सा हटकर क्वेश्चन है। इससे पहले भी अगर बुक में आपने क्वेश्चन किए होंगे तो ऐसा क्वेश्चन अभी तक आपकी नज़रों के सामने नहीं आया होगा, तो ज़्यादा अच्छा है हम इस क्वेश्चन को कर लें। बच्चों को थोड़ा टिपिकल लगता है, स्टूडेंट्स को उसका रीज़न होता है कि कम क्वेश्चन देखा है, कम प्रैक्टिस की हुई है, तो क्वेश्चन अपने आप ही थोड़ा सा हार्ड हो जाता है नया क्वेश्चन। तो ज़्यादा अच्छा है आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके जाएं और अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं। मैंने आपको बताया था कोरिलेशन चैप्टर ईजी होता है, लेकिन ईजी तब होता है जब अगर आपके इसके 60 to 70 क्वेश्चन अगर आपको बुक में गिवन है, तो ज़्यादा अच्छा है आप मिनिमम 50 to 60 क्वेश्चन या अबव 45 क्वेश्चन सॉल्व करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अबव 45 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से सॉल्व करनी चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है तो आप निश्चित रूप से उसको हमें सेंड कर सकते हैं, हम निश्चित रूप से आपको सॉल्व करके बताएंगे। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने के लिए है
कि देखिए एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, तो छोटे क्वेश्चन जनरली हमसे नहीं पूछे जाते। हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ऐसे टाइप क्वेश्चन होगा जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो यहाँ पे 2 और 3 मार्क्स का क्वेश्चन हमसे नहीं पूछा जाता है, तो ये बात हमें थोड़ा ध्यान में रखनी होगी। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। एक्स जो हमारे पास एक्स सीरीज है और वाई सीरीज है, एक्स सीरीज में हमने वेरिएबल लिया है डेंसिटी और सेकंड जो वेरिएबल हमने लिया है वो है डेथ रेट। तो x से हम कैलकुलेट करेंगे dx, और y से सीरीज से कैलकुलेट करेंगे dy। अब dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, dx ये x वैल्यूज है, इसमें से हम लेस कर देंगे a, यानी कि जो एज्यूम्ड करेंगे, एज्यूम्ड हम कौन सा करेंगे, जो मिनिमम होगा, जो एटलीस्ट होगा या जो लोएस्ट होगा। तो लोएस्ट फिगर हमारे पास 200 है, तो 200 लेस कर दीजिए सब x में से, जितने भी हमारे पास जितने ऑल डिजिट है x की उन सब में से आप 200 जो एज्यूम्ड है आप उसको लेस कर दीजिए। तो एज्यूम्ड फिगर हमारा 200 है, 200 में से 200 गया तो आपके पास आ जाता है 0, 500 में से 200 लेस करेंगे 300, 600 में से 200 लेस करेंगे 400 और 250 में से लेस करेंगे 200, तो आएगा आपके 50। तो आपके पास dx की वैल्यू आ गई। इसी तरीके आप y सीरीज में dy कैलकुलेट करेंगे, जो आपका लोएस्ट वैल्यू है, तो 12, 16, 15 और 14 इनमें से लोएस्ट वैल्यू हमारे पास हो जाती है 12, तो 12 को आप लेस कर लेंगे y में से, y माइनस एज्यूम्ड 12 है आपके पास, तो यहाँ पे आप 12 लिख सकते हैं, तो 12 माइनस 12 0, 16 माइनस 12 हो जाता है आपके पास 4, 15 माइनस 12 हो जाता है 3 और ये हो जाता है 2। अब आप dx से dx का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं और dy से dy का स्क्वायर। तो dx से हम dx का स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे, dy से dy का स्क्वायर, लास्ट में कैलकुलेट करेंगे dx dy। तो देखिए 0 का स्क्वायर 0 था, 300 का स्क्वायर 90,000 हो जाता है, 400 का स्क्वायर हो जाता है 16 और 40 यानी कि 1,60,000 और 50 का स्क्वायर हो जाता है 2,500। एक बार कैलकुलेटर से करके देखने में कहीं कोई हर्ज नहीं है। आप भी देखिए जैसे मैं चेक कर रहा हूँ, पेशेंसली क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, उसी तरीके से पेशेंसली सॉल्व करने की आदत डालिएगा, क्योंकि जल्दी जल्दी करेंगे और आपको लगता है कि 10 मिनट में सॉल्व करके पटक देंगे, तो उस 10 मिनट को करने के चक्कर में आप क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का यूज़ कीजिए, इसीलिए आपको एग्ज़ाम में अलाउ किया गया है। तो 300 का स्क्वायर जैसा आप देख रहे हैं 90,000 है, करेक्ट है। 400 का स्क्वायर 1,60,000 है और 50 का स्क्वायर आप 2,500 है। सारी वैल्यूज मैंने चेक कर ली है, सही है। अब x का टोटल कर लीजिए आप, x का तो टोटल करते ही नहीं हम, हमें तो dx का टोटल चाहिए, dy का टोटल चाहिए, dx स्क्वायर का टोटल चाहिए, dy स्क्वायर का टोटल चाहिए और dx dy का चाहिए। इस तरीके से ये टोटल हमें चाहिए। तो देखिए dy हमारे पास ये रहा, 0 का स्क्वायर करेंगे आप 0 आएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है। अब dx और dy को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास dx है 0 और dy है 0, तो 0 इंटू 0 0 हो जाता है, 300 इंटू 4 1200 हो जाता है आपके पास, और 400 इंटू 3 ये भी आपके पास 1200 हो जाता है, और 15 इंटू 2 100 हो जाता है। अब आप इन सब कॉलम्स का टोटल कर सकते हैं, तो 300, 400 और 50 ये हो गया 750। इस टोटल को dx का टोटल है तो ये कहलाएगा सिग्मा dx, तो सिग्मा dx हो जाता है 750। dy का टोटल 7 और 2 9 हो जाता है सिग्मा dy, सिग्मा dx स्क्वायर आपके पास हो जाता है 1,60,000 प्लस 90,000 और 2,500, ये हो जाता है 2,52,500 हो जाता है। और यहाँ पे dy स्क्वायर का टोटल हो जाता है 29 और लास्ट कॉलम का टोटल हो जाता है 2,500। तो इस तरीके से आपके पास सारे टोटल आ गए हैं। dy स्क्वायर का टोटल कहलाएगा सिग्मा dy स्क्वायर
और डी एक्स डी वाई का टोटल कहलाएगा सिग्मा डी एक्स डी वाई। तो देखिए सभी टोटल आ चुके हैं, लेकिन हमें अब इसकी ज़रूरत तो नहीं लगती। कि इसकी ज़रूरत अब कहीं है तो ज़्यादा अच्छा है, क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए हम इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। अब हमारे पास अच्छी खासी जगह हो गई है, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जगह चाहिए भी। तो देखिए जो फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, अब क्वेश्चन में कहीं नहीं कहा है कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, तो मैंने आपको बताया था आप कॉल पियर्सन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। कॉल पियर्सन मेथड हम यूज़ कर लेंगे। तो फार्मूला जो हमें है वो हमारा फार्मूला है सिग्मा डी एक्स डी वाई डॉट एन माइनस सिग्मा डी एक्स डॉट सिग्मा डी वाई रूट में आप लिखेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डॉट एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर। इसी तरीके से एक फार्मूला और लिखेंगे आप इसी में, जिसमें एक्स को रिप्लेस कर देंगे आप वाई से, तो यहाँ पे सिग्मा डी वाई स्क्वायर डॉट एन, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है जैसा कि आप जानते भी हैं, माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर। तो देखिए फार्मूला, इससे पहले हम 4 to 5 क्वेश्चन कर चुके हैं, अब तक आपको वीडियो भी मिल चुके होंगे, और अब आपको अच्छे से पता होगा कि हमको फार्मूला किस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आप फिर से देख लीजिए कि फार्मूले को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे पास 2500 है, ये रहा, तो हम यहाँ पे 2500 ले लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे डॉट। देखिए सिग्मा डी एक्स डी वाई हमारे पास 2500 है, डॉट यानी मल्टीप्लाई, तो डॉट हमने किया इनटू, और एन यानी नंबर ऑफ आइटम, तो नंबर ऑफ आइटम आप कैलकुलेट कर सकते हैं 1, 2, 3 और 4। तो हमारे पास 4 आइटम्स हैं, माइनस करेंगे आप सिग्मा डी एक्स, तो सिग्मा डी एक्स हमारे पास है 750 इनटू सिग्मा डी वाई, ये हमारे पास 9 है, आप रूट लेंगे सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, तो वह हमारे पास हो जाता है 252,500 मल्टीप्लाई बाय एन यानी कि 4 माइनस 750 डी एक्स है हमारे पास इसका स्क्वायर, तो सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर लेना है। अब आगे अगर हम देखें तो हमारे पास सिग्मा डी वाई स्क्वायर है 29 डॉट यानी कि इनटू एन यानी कि नंबर ऑफ आइटम 4 माइनस सिग्मा डी वाई का स्क्वायर, तो सिग्मा डी वाई हमारे पास 9 है इसका होल स्क्वायर। अब अगर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए यहाँ पे, मैं आपको बता दूं कि देखिए कोरिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे आर से, तो 2500 इंटू 4 ये हो जाता है आपके पास 10,000, माइनस करेंगे आप 750 इंटू 9, तो ये आपके पास हो जाता है 750 इंटू 9 6750। टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड इंटू फोर ये आपके पास हो जाता है 10 लैख 10,000 चलो यहीं पे लिख देते हैं 10 लैख 10,000, माइनस कर देंगे आप 750 का स्क्वायर 5,62,500, बिल्कुल यही हो जाता है, ये आपने रूट कर दिया इसका। अभी ये सीरीज रह गई है तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, 29 इंटू 4 ये हो जाता है 116 माइनस 81। जब आगे जाएंगे तो 10,000 माइनस 6,750 ये हो जाता है आपके पास 3,250। आगे सॉल्व करें तो 10,10,000 माइनस 5,62,500 ये आपके पास आएगा 4,47,500 का रूट, और यहाँ पे 116 माइनस 81 ये आपके पास आता है 35 का रूट।
3250 बची हुई वैल्यू है आपके पास। 35 का अगर हम रूट करें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 5.91, और 4,47,500 का अगर आप रूट करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 668.95 या 668.9 ही कह लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आप अगर इसको सॉल्व करें 3250 को, तो यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी उसको हम चलो यहीं पे लिख देते हैं आप, 3250 डिवाइडेड बाय 668.9 इनटू 5.91 3953। तो देखिए 3250 में आप 3953 का डिवाइड कर दीजिए, 3250 डिवाइडेड बाय 3953, ये आपके पास आ जाता है 0.82। तो हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है यहाँ पे, तो यहाँ पे पूछा गया था आपसे क्वेश्चन, इज देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट, तो आप कह सकते हैं देयर इज हाई पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड डेथ रेट। तो देखिए क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा भी गया है, आप देख सकते हैं 2004, 2011 और 2002 में ये यूनिवर्सिटीज़ में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ज़्यादा अच्छा है आप क्वेश्चन को इस तरीके से भी तैयार कीजिए, ऐसे क्वेश्चन भी तैयार कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है आप निश्चित रूप से कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको जल्द से जल्द सॉल्व करके वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, और आप देख सकते हैं कि ये जो वीडियो क्लासेस है ABST पेपर 2 के लिए है। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपका पेपर है, टॉपिक जो चल रहा है वो है कोरिलेशन, और BCom फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए ये क्लास है। क्वेश्चन की डिटेल्स आपके सामने हैं जो कुछ इस प्रकार हैं, एज आपको गिवन है 10 to 20 ईयर्स, 20 to 30 ईयर, 30 to 40 ईयर, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80 ईयर्स। 10 टू 20 एज ग्रुप में 1200 पॉपुलेशन है हमारे पास, जिसमें से 1100 लिटरेट पीपल हैं। 20 टू 30 एज ग्रुप में 1000 पॉपुलेशन है, जिसमें से 925 लिटरेट पीपल हैं। 30 टू 40 एज ग्रुप में 800 पॉपुलेशन है, 740 आपके पास लिटरेट पीपल हैं। 40 टू 50 एज ग्रुप में 500 पॉपुलेशन है और 470 आपके पास लिटरेट पीपल हैं। 50 टू 60 एज ग्रुप में 250 आपके पास पीपल, जिसमें से 230 आपके पास लिटरेट पीपल हैं, और 60 टू 70 एज ग्रुप में 150 आपके पास पॉपुलेशन है, जिसमें से 140 आपके पास लिटरेट है, और 70 टू 80 एज ग्रुप में 50 पॉपुलेशन है, जिसमें से 45 आपके पास लिटरेट पीपल है। अब क्वेश्चन आपको क्या कहा गया है वो ध्यान से पढ़िए, फाइंड कॉल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एज एंड इलिटरेसी। तो देखिए यहाँ पे इलिटरेसी आपको फर्स्ट वेरिएबल जो लेना होगा वो एज होगा, सेकंड जो वेरिएबल आपका होगा वो इलिटरेसी होगा। तो देखिए फर्स्ट वेरिएबल हमारा एज होगा, वो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि एक्स जो फर्स्ट वेरिएबल है आप एज को लेंगे, एज हमारे पास कंटिन्यूस सीरीज में है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, तो जब कंटिन्यूस सीरीज हो तो मिड वैल्यू कैलकुलेट कीजिए, और मिड वैल्यू इससे पहले हम 2 or 3 क्वेश्चंस में कैलकुलेट भी कर चुके हैं, तो अब तक आपको आ भी गया होगा मिड वैल्यू का फॉर्मूला L1 + L2/2 होता है। तो L1 लोअर लिमिट को कहते हैं, L2 अपर लिमिट को कहते हैं। तो हमारी जो L1 है वो 10 हो जाती है इस ग्रुप में, और जो सेकेंड फर्स्ट ग्रुप की सेकेंड जो लिमिट है उसे हम अपर लिमिट कहते हैं। तो फर्स्ट लोअर लिमिट हो जाती है 10, अपर लिमिट हो जाती है 20, तो L1 + L2 10 + 20 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हमारे पास हो जाता है 15। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं एज।
वो है 15। सेम इसी तरीके से 20 प्लस 30 बाई 2 ये हो जाता है 25। नेक्स्ट 30 प्लस 40 70 बाई 2 तो ये हो जाता है 35। नेक्स्ट 40 प्लस 50 90 बाई 2 ये हो जाता है 45। 50 टू 60 110 डिवाइडेड बाई 2 तो ये हो जाता है 55। 60 प्लस 70 बाई 2 ये आपके पास हो जाएगा 60 प्लस 70 बाई 2 तो आपके पास हो जाता है 130 बाई 2 यानी कि 65 और 75। वैसे मैं आपको बता दूं, देखिए एक आप और तरीका भी यूज़ कर सकते हैं, 10 टू 20 है तो आपने फर्स्ट को कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट आपका आया था 15। अब इन सब में डिफरेंस देखिए, आप 10 का है तो आप 10 ऐड करते जाइए, 15 में अगर आप 10 ऐड करेंगे तो 25, 25 में 10 ऐड करेंगे 35, 35 में 10 ऐड करेंगे 45, तो 10 का डिफरेंस है तो जितना डिफरेंस है वो ऐड करते जाइए तो आपके पास नेक्स्ट मिड वैल्यू भी कैलकुलेट हो सकती है। ये शॉर्टकट मेथड है, आपको पर्टिकुलर इस मेथड को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप ज़्यादा क्वेश्चन कर लेंगे तो ये जो टेक्निक्स है ये आपको अपने आप आ जाएगी। तो ये टेक्निक्स आपको, ऐसा नहीं है आप इन टेक्निक्स के पीछे भागें, ये आपके पास अपने आप आएगी अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते चले जाओगे। तो पर्टिकुलर टेक्निक्स ऐसा नहीं है कि आप टेक्निक्स के लिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बंद कर रहे हो और आप ये सोचे कि नहीं यार टेक्निक्स हम फॉलो कर लेते हैं। ये टेक्निक्स मैंने आपको बताया, आप प्रैक्टिस करते रहिए, धीरे धीरे आपको खुद को मालूम मिलने लगता है यार मैं ज़बरदस्ती क्यों निकाल रहा हूँ, अगर इनमें 10 का डिफरेंस है तो यहाँ पे इस तरीके से हम 10 का डिफरेंस ऐड करके भी मिड वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते थे, इससे आपका टाइम बच जाता थोड़ा सा। तो एज तो हमने कैलकुलेट कर ली, सेकंड जो चीज़ आ जाती है इलिटरेसी। यहाँ पे आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट लिटरेट पीपल से ही कैलकुलेशन सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिटरेट के लिए नहीं कह रहा है, ये कह रहा है इलिटरेट सी। अब इलिटरेसी यानी कि इलिटरेट पीपल की जो रेट है आप उसको कैलकुलेट कीजिए। अब वो कैसे कैलकुलेट करें, यहाँ पे तो लिटरेट दे रखा है। तो देखिए आप 1200 में से 100 पीपल लिटरेट हैं तो इलिटरेट कितने हो गए, लेस कर दीजिए तो आ जाएगा आपके पास 1200 माइनस 1100। तो ये 100 जो पीपल हैं इसमें से इसको लेस करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये जो आएंगे ये इलिटरेट पीपल हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पहले इलिटरेट कैलकुलेट कर लीजिए रफ में कहीं भी। तो 1200 माइनस 1100 100 आ गया, 1000 में से 925 लेस किया तो 75 इलिटरेट होंगे, 800 में से 740 लेस किया तो आपके पास जो 60 बचा है ये इलिटरेट पीपल है, 500 में से 470 लेस कर दीजिए तो ये जो 30 बच रहा है ये इलिटरेट पीपल है, 250 में से 230 लेस किया तो ये जो 20 बच रहा है ना यही है इलिटरेट पीपल, 150 में से 140 लेस कर दीजिए 10 बच गया। तो देखिए जब आपने इलिटरेट पीपल कैलकुलेट कर लिया तो इलिटरेसी रेट, इलिटरेट की जो रेट है वो कैसे कैलकुलेट करें, तो मैंने बताया ये पॉपुलेशन बेस्ड है और पॉपुलेशन बेस्ड जब कैलकुलेट करते हैं रेट तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं इलिटरेसी रेट। ये चीज़ें तो अब कहीं काम में आएगी नहीं आपके, तो ज़्यादा अच्छा है स्पेस बचाने के लिए कि हम इसको यहीं पर कैलकुलेट कर लें। देखिए इलिटरेट जो पीपल हैं आपके पास इलिटरेट अपान आप ले लेते हैं पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय 1000। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में अगर हम देखें 10 टू 20 ग्रुप में तो हमारे पास इलिटरेट पीपल होते हैं 100, डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन 1200 है, पॉपुलेशन आपके पास है 1200 इंटू 1000। मैंने आपको बताया था जैसे परसेंटेज इंटू 100 में कैलकुलेशन की जाती है, परसेंटेज के लिए कैलकुलेशन किया जाता है इनटू 100 से, वैसे ही जब पॉपुलेशन से रिलेटेड कोई भी रेट कैलकुलेट की जाती है तो वो 1000 से इनटू की जाती है। तो 1000 डिवाइडेड बाय 1200 इनटू 1000 तो आपके पास जो रेट आएगी वो हो जाती है 83।
83.333 होती है, तो आप उसे पॉइंटों में ले जाकर 83 लिख सकते हैं, और अगर पॉइंटों में भी लिख देंगे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आप 83 भी लिख सकते हैं और 83.33 है वो भी आप लिख सकते हैं। सेकंड हम देख लेते हैं 75 है आपके पास इलिटरेट, पॉपुलेशन आपके पास थी 1000 × 1000, तो ये 75 ही आ जाता है। तो यहाँ पे जो वाई सीरीज होगी आपकी, जो आपकी इलिटरेसी थी ये आ जाती है 83, सेकंड में हो जाती है 75। अब थर्ड की देख लेते हैं हम 60 की, तो 60 डिवाइडेड बाय 800 पीपल है मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 60/800 × 1000 हो जाता है 75। नेक्स्ट कर लेते हैं 30/500 × 1000 ये हो जाता है 60। 20/250 कर लेते हैं, 20/250 × 1000 4 तो 80 हो जाता है ये। 10/150 भी कर लेते हैं, तो 10/150 × 1000 10 यहाँ पे देखिए इलिटरेट पीपल हैं और 150 आपकी पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे ये जो 10 है इलिटरेट पीपल है, 150 पॉपुलेशन हो जाती है, तो 10/150 ये 150 मैंने पॉपुलेशन लिया है, मैं आपको फिर से बता दूँ, इंटू 1000, तो रेट कैलकुलेट करने के लिए मल्टीप्लाई 1000 से किया जाता है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाती है 66.66। तो इसको आप जब 0.5 से ज़्यादा है तो ये पूरा कंप्लीट कर सकते हैं 67। अगर आप यहाँ पे 66.66 भी ले लेते तो भी आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप चाहे तो लेके देख लीजिएगा। हाँ, अब हम आगे कर लेते हैं, लेकिन जो कैलकुलेशन है वो पॉइंटों में जाती रहेगी और पॉइंट आपको बार बार कन्फ्यूज करेगा। अब हम हो गए क्या सारे, या कुछ बच गया, ये 70 to 80 शायद बच गया है। यहाँ पे 50 हमारे पास पॉपुलेशन थी, 45 हमने लिटरेट थे, तो 5 पॉपुलेशन ऐसी रह गई जो इलिटरेट है, तो यहाँ पे हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं, 5/50 × 1000 तो 5/50 × 1000 100, क्या बात है, तो लिटरेसी रेट यहाँ पे 100 हो गई है, 5/50 × 1000 बिल्कुल सही है जी। तो देखिए इस तरीके से x और y हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमने x और y कैलकुलेट कर लिया, तो अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, अब हम ये देख लेते हैं, इसको यहाँ से हम मिटा देते हैं, क्योंकि डेथ रेट हमने कैलकुलेट कर लिया, इलिटरेसी रेट हमने कैलकुलेट कर ली है। यहाँ पे आपके एक बात और जान लेना ज़रूरी होगा, मुझे लगता है कि भाई आपको ये पता होना चाहिए, ये जो क्वेश्चन है एक बढ़िया क्वेश्चन है, टिपिकल क्वेश्चन है, काफ़ी का सारे स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नहीं कर पाते हैं, और ये क्वेश्चन राजस्थान यूनिवर्सिटी में 2000 में पूछा भी गया था, MDU में 97 और 2008 में भी पूछा गया है ये क्वेश्चन, एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने में इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। अब हम देखते हैं हमारे पास एक्स सीरीज और वाई सीरीज है, तो हम dx कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो देखिए कार्ल पियर्सन मेथड में जो सब एक्स सीरीज का सबसे लोएस्ट वैल्यू है उसे हम एज्यूम्ड करते हैं, वैसे आप कोई सा भी कर सकते हैं, तो एक्स में से आप लेस कर दीजिए, एज्यूम्ड फिगर हमने 15 किया है तो 15 को लेस कर दीजिए, 15-15 करेंगे 0, 25-15 करेंगे 10, 35-15 आपके पास 20 आएगा, यहाँ पे 30 आ जाता है, यहाँ पे 40 आ जाता है, यहाँ पे 50 और यहाँ पे 60 आएगा, तो इस तरीके से आपने 15 को लेस कर लिया सब में से, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60 आ गया, आप कोई सा भी लेस करके देख लीजिए, वैसे 75-15 सही है, 65-15 करेंगे तो भी आपके पास 50 आएगा, इसमें से आप 15 लेस करेंगे तो भी आपके पास 40 आएगा, बिल्कुल सही कैलकुलेशन है जी। अब आप y कैलकुलेट कर सकते हैं, y सीरीज से dy कैलकुलेट करेंगे, तो y सीरीज से हम dy कैलकुलेट करेंगे,
वाई में से लेस कर देंगे एज्यूम्ड फिगर, और एज्यूम्ड वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि एज्यूम्ड वैल्यू जो लीजिएगा वो वाई सीरीज में, आप लोएस्ट वैल्यू लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, वैसे आप कोई सी भी ले सकते हैं, तो लोएस्ट हम फिलहाल ले लेते हैं 60 हमें दिख रहा है, तो 60 लोएस्ट वैल्यू है, इसी को लेस कर देते हैं। 100 में से 60 आपने लेस किया 40, 67 में से आपने 60 लेस किया 7 आएगा, यहाँ पे आपके पास 20 आ जाता है, 60 में से 60 आप लेस 0, 75 माइनस 60 15, 75 माइनस 16 फिर से 15, और 83 माइनस 60 तो ये आ जाता है 2323। तो dx भी आ गया, dy भी आ गया, अब आप dx का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, dy स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं, और dx dy भी कैलकुलेट कर सकते हैं, dx स्क्वायर और dx dy स्क्वायर। तो देखिए डी एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी एक्स और डी वाई ये हमें कैलकुलेट करना है, तो डी एक्स हमारे पास है 0, 10, 20, 30, 40, 50 और 60, तो डी एक्स जो है इसका स्क्वायर करते चले जाइए आप, तो 0 का स्क्वायर आपके पास 0 होगा, 10 का स्क्वायर आपके पास 100 होगा, 20 का स्क्वायर आपके पास 400 हो जाता है, 330 का स्क्वायर आपके पास 900 होगा, 40 का स्क्वायर आपके पास 1600, 50 का 2500 और 60 का जो होगा वो 3600 आपके पास स्क्वायर होगा। स्क्वायर का मतलब 40 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 40 से, 50 को मल्टीप्लाई कीजिए 50 से, और 60 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 60 से। अब हम बात करते हैं y का स्क्वायर, तो देखिए dy का स्क्वायर आपके पास हो जाता है 23 का स्क्वायर, हम कैलकुलेट करेंगे 23 × 23 529, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 529। नेक्स्ट 15 का स्क्वायर 225, फिर 15 का 225, 0 का 0 हो जाता है, 20 का स्क्वायर तो 400 होता है, 7 का 49 होता है, और 40 का 1600 होता ही है, 14 × 40 1600 ही है। अब लास्ट कॉलम है dx dy, यानी कि dx को आप मल्टीप्लाई कीजिए dy से, dx हमारे पास ये रहा और dy हमारे पास ये रहा, तो इन दोनों कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 0 को मल्टीप्लाई किया 23 से 0, 10 × 15 150, 20 × 15 ये हो जाता है हमारे पास 300, एक बार कैलकुलेट कर लीजिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, 20 × 15 300 ही है आपके पास, 13 × 0 आपके पास 0 ही आएगा, 14 × 20 800 होगा वैसे, और 15 × 7 ये 350 होगा आपके पास वैसे, और ये 2400 होगा। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यूज़ को। अब देखिए dx का dy का dx स्क्वायर dy स्क्वायर और dx dy इन सब कॉलम को हम टोटल करेंगे, तो 10 और 20 30 हो जाते हैं, 30 प्लस 30 60 होते हैं, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 50 150, 150 और 60 210, तो आपके पास 210 हो जाता है dx का टोटल, यानी कि सिग्मा dx। इसी तरह dy का टोटल देख लेते हैं हम, 40 और 20 आपके पास होगा 60, और ये हो जाता है 67, 67 में आप 3 ऐड कर दीजिए 70 और 20 हो गए 90, 90 और 30 हो जाते हैं 120। अब आप एक बार इसको कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक नहीं हुई हो, तो देखिए 47 और 20 हो गए 67, 15 हो गए 30, 30 प्लस 20 ये हो गए 53, 120 ये जी। नेक्स्ट देखिए 100, 500 और ये हो गए आपके पास 1400 और 1600 हो गए 3000, 5500 में आप ऐड कर दीजिए 3600,
9100 हो जाता है आपका टोटल, ये हो जाता है 2049, और 25 हो जाता है 450, और 529 है ऊपर वो ले लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका 3028। बिल्कुल सही है जी। आगे बात कर लेते हैं हम, 450 तो ऊपर है ही, प्लस 8 और 3 ये 1150 हो जाता है आपका, और 2400 लास्ट में है तो ये भी हम निकल लेते हैं, सब कुछ मिला के 4000 आ जाता है आपके पास टोटल। चेक करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एक बार फिर से चेक कर लीजिए, तो 450 था ही आपके पास, 800 भी है, 350 भी है, और 2400 भी, टोटल 4000 ही होगा, आप कितनी बार ऐड कर लीजिए। हाँ तो ये देखिए, फर्स्ट कॉलम का जो dx का टोटल है सिग्मा dx, dy का जो टोटल होगा इसे हम सिग्मा dy कहेंगे, dx स्क्वायर का टोटल सिग्मा dx स्क्वायर कहलाएगा, और dy स्क्वायर का टोटल सिग्मा dy स्क्वायर कहलाएगा, और dx dy का टोटल सिग्मा dx dy यानी टोटल ऑफ dx dy कहलाएगा। इस तरीके से ये कॉलम के नाम होंगे। अब क्वेश्चन का फॉर्मूला लिख लेते हैं और क्वेश्चन को आगे किस तरीके से सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। देखिए, कोरिलेशन को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला यूज में लेते हैं, सिग्मा डी एक्स डी वाई डॉट एन, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, माइनस करेंगे हम सिग्मा डी एक्स इंटू सिग्मा डी वाई, रूट आर इज इक्वल टू, तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर डॉट एन माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इस तरीके से आप रखेंगे। लगता है ये कुछ नीचे जा रही है वैल्यूज, तो इसको थोड़ा सा तो हम सीधा ले ही लें, सिग्मा डी वाई का स्क्वायर डॉट एन माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर, तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। जब फॉर्मूले को हम वैल्यूज पुट करेंगे फॉर्मूले में, तो सिग्मा डी एक्स डी वाई आपके पास 4000 है, आर इज इक्वल टू डॉट एन, तो डॉट यानी मल्टीप्लाई था, एन यानी नंबर ऑफ आइटम थे, तो नंबर ऑफ आइटम 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है जी, 7 माइनस सिग्मा डी एक्स हम देखें तो 210 है, इंटू सिग्मा डी वाई 120 है, रूट डी एक्स स्क्वायर आपके पास आया था 9100, इंटू करेंगे डॉट, डॉट यानी इंटू और एन नंबर ऑफ आइटम 7 माइनस 210 का स्क्वायर यानी कि सिग्मा डी एक्स का स्क्वायर। अब नेक्स्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई का स्क्वायर सिग्मा डी वाई स्क्वायर, तो जो आपके पास था 3028 डॉट यानी इंटू एन यानी नंबर ऑफ आइटम 7 माइनस करेंगे आप 120 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये जो वैल्यूज है 4000 को आप 7 से इंटू किए 28000 ही आएगा आपके पास, माइनस करेंगे आप 210 इंटू 120, तो पहले 210 को आप इंटू कर लीजिए 120 से, ये आपके पास आ जाती है 25200। 9100 को इंटू कीजिए 7 से, तो ये हो जाती है 63700, माइनस कर दीजिए 210 का स्क्वायर 44100 का रूट, ठीक है। चलो अब 30 × 28 × 7 करके देख लेते हैं, 30 × 28 × 7 ये आपके पास आ जाता है 21196, माइनस करेंगे 120 × 120
तो ये 14,400 भी हो जाता है। क्वेश्चन काफ़ी सारा सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट स्टेज पे क्वेश्चन है, तो R इज इक्वल टू, अब इस क्वेश्चन को आगे यहाँ पे ले जाते हैं हम, तो 28,000 माइनस 25,200, 28,000 करें में माइनस करेंगे 25,200, तो आपके पास जो वैल्यू आएगी 2800। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे 63,700 माइनस 44,100, तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी वो होगी 19,600 और 21,196 माइनस 14,400 करेंगे तो आपके पास जो वैल्यूज आएगी 6,796 ये होगी। अब आप और सॉल्व कर सकते हैं, 2800 डिवाइडेड बाय 19,600 का रूट कीजिए आप, 140 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6796 का रूट, ये हो जाता है 82.4। अब आप 2800 डिवाइडेड बाय 140 इंटू 82.4 तो ये हो जाता है 11,536 और इसका आंसर आता है आपके 0.2800 डिवाइडेड बाय 11,536 24। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो है 0.24। देखिए हो सकता है किसी और फार्मूले को भी यूज़ किया गया हो, और इस फार्मूले को कोई डायरेक्ट फार्मूला या इनडायरेक्ट मेथड से या डायरेक्ट मेथड से सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन आंसर जो आएगा वो आपका 0.24 आएगा। और 0.24 का मतलब होता है कि ये जो आंसर है जीरो से ज़्यादा है लेकिन 0.25 से कम है, तो देयर इज लो पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एज एंड इलिटरेसी, एज एंड इलिटरेसी। तो देखिए यहाँ पे लो पॉजिटिव कोरिलेशन है क्योंकि आपका जो आंसर है वो जीरो से ज़्यादा है और 0.25 से कम है, और अगर यहाँ पे आंसर ज़ीरो होता तो आप कह सकते थे कि यहाँ पे कोरिलेशन है ही नहीं या एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन है। और अगर आपका आंसर 0.75 से ज़्यादा होता, एक से कम होता, तो आप ये भी कह सकते थे कि हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, माइनस में होता आंसर, और 75 से ज़्यादा होता तो आप ये भी कह लेते कि हाई नेगेटिव कोरिलेशन है। तो अब आप डिग्री को यूज़ करना समझ गए होंगे, डिग्री समझ गए होंगे, और इस तरीके के टिपिकल क्वेश्चन हैं उनको भी सॉल्व करने को समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में तो आप कमेंट करके हमें बताते भी रहिए, जिससे कि हम उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके जल्दी से जल्दी आप तक नया वीडियो अपलोड कर पहुँचा सकें। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।